हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि किसी भी केमिस्ट्री में, चाहे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी में आपको काम आता है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेंशन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बहुत से लोग इसमें पहले से ही जानते होंगे, बट इसमें जो फर्दर डिटेल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है आपका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एटम जिसका भी आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में उनका सेल्स के अकॉर्डिंग यानी 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आना चाहिए। K11 में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या यूँ कह सकते हैं जो 12 इलेक्ट्रॉन हैं उनको K11 में 2n² रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कुछ इस तरह से आएगा 2, 8, 2। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर्स में, जो लास्ट सेल है उसी को आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट सेल जो है, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यही आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, क्या इनमें भी क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, बिल्कुल क्लासिफिकेशन है। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है ये भी हम जानेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जिनसे बॉन्ड फॉर्म होता है उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की तरह मेंशन किए जाते हैं, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि उन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या अदर वर्ड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब इस चैप्टर को हम इनिशिएट करेंगे तो बार बार इन्हीं टर्म्स को हम यूज़ करेंगे, तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आई थिंक वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो बेसिक्स है इसको बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, अगर आपसे पूछा जाता है कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के हैं, पहला आपका है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आपको डिफाइन करना है तो यहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही आपके हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही हैं जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर हमने एक बनाया है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो क्रॉस से हमने दिखाया है ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देते हैं। ये जो आपका क्रॉस है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो डॉट आप देख रहे हैं इसमें ये आपके किसके इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर एक और भी इसको सुपर फाइन करके डिफाइन किया जा सकता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और ये आपके क्या हैं, ये जो डॉट से मेंशन किए गए हैं ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है किसके, ऑक्सीजन के। अभी इसको हम अगर
इसके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का वन होता है 2n² के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर चूंकि एक ही सेल होगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को 2n² स्कीम यानी बोर बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग इसको अगर हम डिवाइड करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2.6। ठीक है, अब देखिए इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अराउंड अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन करें तो जो हमने यहाँ पे डॉट से मेंशन किए हैं ये ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, और जो हमने हाइड्रोजन को क्रॉस जो क्रॉस से मेंशन किया है ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ इस तरह से है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनको हमने ब्लैक से मेंशन किया है, ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपको यहाँ पे जो हमने ग्रीन से सर्कल कर किए हैं ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, और ये दोनों आपके क्या हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका है और ये भी है, ठीक है, बॉन्ड पेयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। आप देखिए अगर इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिखाया जाता, यहाँ पे इसको मेंशन किए दे रहे हैं वाटर ऑक्सीजन वाटर, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ब्लैक सर्किल किया था दो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ये बॉन्ड पेयर्स थे। बॉन्ड पेयर्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लाइन खींच कर इनको मेंशन किया है बॉन्ड पेयर्स। अब जो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं ये इस तरह से, ठीक है, इनको हमने क्या किया था, ग्रीन सर्कल किया था, ये आपके क्या थे, लोन पेयर्स थे। तो ये इस तरह से आपके जो भी इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर में ही पता चल जाता है कि कौन सा लोन पेयर है कौन सा बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, जो आपका नहीं करेगा वो आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो ये आपका था। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो लुईस सिंबल होते हैं किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, सबसे पहले हम किसी एटम के लिए जानेंगे, देन उसके बाद में मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो लुईस सिंबल होता है उसमें किसी भी एटम पे उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो एटम है उसके अराउंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अरेंज किए जाते हैं, जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लुईस सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिलिकन है, सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसको 2n² रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.8.4। अभी जो वैलेंसी सेल है इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है, देख सकते हैं ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन के अराउंड आप 4 ही इलेक्ट्रॉन मेंशन कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं इसका अगर लुईस सिंबल आपको बनाना पड़े तो पहले आप इसका एटॉमिक सिंबल लिखेंगे सिलिकॉन, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आप मेंशन करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया लुईस सिंबल ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से इसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपका है बेरियम, बेरियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2.2 आएगा, यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमने मेंशन किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को हम मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले इसका एटॉमिक सिंबल बेरिलियम, एंड उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी मेंशन कर दीजिए, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया
बेरियम, ठीक है, बेरियम। नेक्स्ट आपका है नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2.8.8। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे नियॉन, उसके बाद में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको अरेंज करने हैं, तो इस तरह से आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं, 2, 4, 6 एंड 8। तो आई थिंक ये जो आपका है ये हो जाएगा, लुइस सिंबल ऑफ नियॉन। तो देखिए बहुत आसान है, बस आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको नोट कर सकें। एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी जो भी हमने आपको डिस्कस किया है, इसमें हमने हर बार आपको यही बताया है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में या बॉन्ड फॉर्मेशन में, केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल मैंशन किए हैं, चाहे ये हो आपका या इधर तीन में मैंशन किए हैं, आउटर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, बहुत ही काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन्स पर वो थोड़ा सा वीक होता है, यानी कि कम लगता है उस पर। तो जब ऐसे केस में जब जिस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा तो वो आसानी से बाहर जा सकता है, अपनी सेल से दूसरे एटम की सेल में जा सकता है, यानी कि उसका ट्रांसफरिंग भी पॉसिबल है, उसका शेयरिंग भी पॉसिबल है, उसका डोनेशन भी पॉसिबल है। तो अभी आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम शेयरिंग, ट्रांसफरिंग एंड डोनेटिंग, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की भी बात करेंगे। तो जो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है यही आपके क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, इसका रीज़न ये है कि वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं न्यूक्लियस से बाकी अदर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन, जिसकी वजह से उन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम लगता है, और इसकी वजह से कम अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से वो आसानी से पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये हमने एक इंसर्ट में रीज़न लिखा हुआ है, बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो एटम्स हैं आपके या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग क्यों होती है। यहाँ पे देख सकते हैं दो रीज़न आपके होते हैं, एक तो ये होता है कि कोई भी एटम अपने आपको चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल भी एक रीज़न है केमिकल बॉन्डिंग का। इसका मतलब ये है कि एटम जो होता है वो अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि कोई भी एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन और कहीं से लेकर कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये जो आपका एक नेचर है, टेंडेंसी है, ये हर एटम में होता है, तो इस वजह से भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा ये रीज़न है टेंडेंसी टू बॉन्डेड एटम्स टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका एटम होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद में जो आपका स्पीसीज होता है, जो भी केमिकल स्पीसीज होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये दो आपके मेजर रीज़न हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जिसको हम लुइस कौसल थ्योरी भी बोलते हैं, इसको लुइस एंड कौसल ने ओरिएंट किया था। तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है वैलेंसी की, हमने आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी डिस्कस किया है प्रीवियसली। तो ये जो आपकी थ्योरी ये कहती है, एवरी एलिमेंट्स हैज़ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2NP6, ठीक है, ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। जो आपकी इनर्ट गैसेज हैं, जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, हेड्रॉन है, इस तरह से उसके नियर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अटेंड करने की टेंडेंसी होती है।
बिकॉज ऑफ इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। इस वजह से सारे एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो आपका थ्योरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, इसको लुईस कौसल थ्योरी भी बोलते हैं। अब जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इसमें कुछ पॉइंट आपके कंसीडर किए गए हैं जो ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग में आपको यूज़ करने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आपका अभी हम बात कर रहे थे कि इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे अटेंड होता है, कैसे गेन होता है एटम के द्वारा। तो इसमें तीन आपके पॉइंट हो सकते हैं, यानी तीन इसमें वेज हो सकते हैं जिनसे कोई भी एटम अपने इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सकता है। पहला आपका है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके एक एटम से दूसरे एटम में आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है। दूसरा आपका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आपस में शेयर करते हैं, दोनों तरफ से इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएँ, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है। लास्ट है आपका डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोनेशन जो है लोन पेयर का, वो भी आपका एक मैथड हो सकता है इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने का। तो ये तीन मेथड हैं आपके, ध्यान रखिएगा, इन्हीं से केमिकल बॉन्ड्स आपके फॉर्म होते हैं, या तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर आपका डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स हैं। अब बात आती है कि जो आपके केमिकल बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनको क्लासेस क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि आपके ऐसे केमिकल बॉन्ड जो बिटवीन द एटम्स और आयंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने बॉन्ड मेंशन किए हैं, ये आपके ऐसे बॉन्ड्स हैं जो एटम्स के बीच में बनते हैं या फिर आयंस के बीच में बनते हैं। इसमें पहला आपका है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि आयंस के बीच में फॉर्म होता है। अभी इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो अभी फ़िलहाल इसको नॉलेज के लिए यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये आपका हो गया। सेकेंड आपका है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको दो बॉन्ड्स पढ़ने हैं, एक आपका पोलर है, दूसरा आपका नॉन पोलर है। अभी इसको हम फर्दर क्लासीफाइड करेंगे, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड आपका है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसी स्पीसीज के बीच में बनता है जिसमें एक आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है और एक आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होती है उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है ध्यान रखना आपको, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होनी चाहिए, या तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो या थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी उसमें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफिशियंसी के केस दो हो सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इवन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डिफिशियंसी। तो यहाँ जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो तभी बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिच है, ठीक है, लोन पेयर्स उसमें हैं, वो दूसरी एक ऐसी स्पीसीज से इंट्रैक्ट करती है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जिस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तब ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट आपका है मेटैलिक बॉन्ड। यहाँ पर दो मेटल एटम आपके कंबाइंड हो जाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये मेटैलिक बॉन्ड जो है एक टाइप का आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके टोटल फोर बॉन्ड्स हैं जो कि बिटवीन द एटम्स और आयंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट कुछ आपके ऐसे भी बॉन्ड हैं जो विद इन द मॉलिक्यूल या बिटवीन द मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो जैसे आपका है वांडरवाल इंट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्सेस, ये भी आपका एक टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड कहना इसको थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही वीक इंट्रैक्शन होती है, इसको इंट्रैक्शन बोलना ज़्यादा बेटर है। तो ये जो आपका है हाइड्रोजन वांडरवाल फोर्सेस और इंट्रैक्शन, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, ये हर मॉलिक्यूल में होता है, ध्यान रखिएगा।
सेकेंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये आपके दो बॉन्ड ऐसे हैं जो बिटवीन द एटम फॉर्म होते हैं, और ऊपर जो आपने अभी स्टडी किए हैं ये आपके ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बिटवीन द एटम्स और आयंस फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है जो बेसिकली बहुत ज़रूरी है मल्टीपल चॉइसेस के लिए, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से कंबाइंड होता है, ठीक है, तो हमेशा आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से अगर अटैच होता है या कंबाइंड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, तो वहाँ पर जो भी आपका बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से अटैच हो जाता है तो वो आपका मेटैलिक बॉन्ड होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी। थर्ड आपका है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, जब दो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, तो वो जो बॉन्ड होता है आपका वो कोवेलेंट होता है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, इसको फर्दर जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर केवल एज इन्फॉर्मेशन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सेम होती है तो वहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, और जब आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज़ में डिफरेंस ज़ीरो होता है तो उस केस में वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको भी फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो ये जो आपने क्लासेस पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और आयंस एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने पढ़ी। इसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं, और ये जो बॉन्ड हैं आपके ये ऐसे बॉन्ड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बनते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जब दूसरे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से इंट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। यहाँ पे बता चुके हैं हम प्रीवियस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से जब कंबाइंड होता है तो वहाँ पर हमेशा बॉन्ड आपका आयनिक होता है या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से ये बनते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, KCl का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर जो एटम्स आपके इन्वॉल्व हैं उनका नेचर कैसा है। यहाँ पोटेशियम जो है आपका एक मेटल है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का, और Cl जो है यहाँ पर ये आपका कैसा है, ये नॉन मेटल है, ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से जब कंबाइंड होता है तो अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा KLmn में। पोटेशियम का होता है 19, ठीक है, 19 एटॉमिक नंबर। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेल्स में तो यहाँ KLmn में तो यहाँ हो जाएगा 2, 8, 1, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और Cl जो है आपका इसका होता है 17, तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 7। अब देखिए इसके बाद में हम बढ़ेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को जानने के लिए, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही हमने आपको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है अभी कि आपका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में बताया था आपको कि वैलेंसी जो आपका सेल है वो आउटर मोस्ट सेल होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हमने इनको ग्रीन सर्कल किया है। पोटेशियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं किस तरह से कंबाइंड होंगे ये।
और एक चीज़ आपको बता दें कि जो लुईस सिंबल की हम बात करेंगे यहाँ पे, लुईस सिंबल्स यहाँ पे आपको शो करने होंगे हर एक एटम के, और लुईस सिंबल में केवल आपकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही मेंशन किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही मेंशन करेंगे। पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका एटम है Cl, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। देख लीजिए एक बार फिर से, पोटेशियम के पास में 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डॉट से दिखाया। आप चाहें तो इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं, इसको डॉट से दिखा सकते हैं, किसी को भी किसी से दिखा सकते हैं, ये नोटेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पोटेशियम है, इसके पास में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ हमने मेंशन कर दिया। ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 क्रॉस हमने बनाए हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है यहाँ पर, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्टेट का मतलब होता है वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो जाएं तो क्या होगा, इसका वैलेंसी सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर दे दे तो उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंसी सेल में, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पर, ये जो आपका पोटेशियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी सेल में ट्रांसफ़र कर देता है, और एक यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि डॉट क्रॉस Cl, बाकी जो क्लोरीन के एटम्स इलेक्ट्रॉन हैं उनको वैसे ही मेंशन कर देते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर जानने वाली बात है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जो एटम ट्रांसफ़र करता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है Cl पर, तो पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है एक्स्ट्रा, जितने इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं जिस तरफ को डोनेट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो Cl को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम माइनस से इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब देखिए ये जो आपका बना हुआ है, इसमें ये वैलेंसी सेल है, यहाँ पर इसको हम ग्रीन से किए दे रहे हैं, ये जो आपका Cl है इसका वैलेंसी सेल है, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हम बता रहे थे कि रीजन्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्यों कंबाइंड होते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको फर्दर आगे और अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, के प्लस सी एल माइनस, ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि एक इंट्रैक्शन होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपके कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स है, जो बॉन्ड है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी बोलते हैं, साथ में आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी हमने यहाँ पे डॉटेड से ये दिखाया हुआ है, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें दो आपके टोटल 3 एटम्स हैं, मैग्नीशियम का 1 एटम है, Cl का 2 एटम है। तो सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, Mg का, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282, ठीक है। ऐसे ही Cl का करेंगे 17, यहाँ हो जाएगा 287। अब देखिए दोनों इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर Cl जो है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये पूरा कर सकता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए ये अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगा। और दूसरी बात ये है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में एक स्पेशल पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो यहाँ पर
इन दोनों के हम पहले लुईस सिंबल बनाएंगे। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मेंशन करेंगे, ये हमने इसको डॉट से दिखा दिया। प्लस देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर आपका ये ट्राई एटॉमिक है, यहाँ पर तीन एटम्स हैं, तो जो आपका जिसकी एटॉमिक सिटी कम होती है उस एलिमेंट को, उस एटम को हम बीच में रखते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे मैग्नीशियम की एटॉमिक सिटी 1 है, सीएल की 2 है, तो सीएल को आप इधर उधर रखिए और मैग्नीशियम को बीच में रखिए। तो ये इस तरह से किया जाता है, ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम, और इसको चाहें आप डॉट से दिखा दें, क्रॉस से दिखा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, Cl और एक ये इधर हो जाएगा Cl, दो Cl एटम है, दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब होगा क्या, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं मैग्नीशियम के पास में, वो एक एक करके दोनों Cl को ट्रांसफ़र कर देगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दोनों आपके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं Cl, और ये आपका था मैग्नीशियम, और इस तरफ है आपका Cl। तो देखिए यहाँ पर एक क्रॉस, एक डॉट, क्रॉस, डॉट, और बाकी इसमें सारे के सारे डॉट्स। तो यहाँ पर ये आपका वैलेंसी सेल हो गया Cl का, और ये वैलेंसी सेल हो गया Cl का। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट एंड राइट ट्रांसफ़र हुए हैं Cl पर, तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर 2+ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आया है दोनों पर, तो दोनों के पास में एक एक माइनस आएगा। तो ये इस तरह से इसका हो गया। अब इसका अगर वैलेंसी सेल आप दिखाना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस Cl का है और ये आपका इस Cl का है, ठीक है। चाहें तो चार्ज भी अंदर दिखा सकते हैं, यहाँ इसको हम चाहें तो बाहर भी दिखा सकते हैं माइनस। ये आपका वैलेंसी सेल है। इसको फर्दर अगर उस तरह से आप दिखाना चाहें जैसे मैंने ऊपर के Cl को मेंशन किया था, तो वो भी किया जा सकता है। इसमें दोनों तरफ आपको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, Cl माइनस Mg2+ Cl-, ये इस तरह से आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर जो ये दोनों देख रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट हमने दिखाया, दोनों ही आपके आयनिक बॉन्ड हैं। तो ये चीज़ आप आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ पर जो भी आपके इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हैं वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्डिंग की कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आपकी ये है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आपका कैटायन होता है वो तभी फॉर्म होता है जब किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है अगर उसका वैल्यू लो है तो वो कैटायन के लिए फेवर करता है, यानी कि जो एलिमेंट है वो आसानी से कैटायन फॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। नेक्स्ट आपका है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ही आसानी से एलिमेंट आपका एनायन फॉर्म कर लेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म कर लेगा। अब देखिए अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो कैटायन एंड एनायन के बीच ही बनता है, तो जब कैटायन एनायन ईजिली फॉर्म हो जाएंगे तो आई थिंक आयनिक बॉन्ड भी बहुत ही ईजिली फॉर्म हो जाएगा। लास्ट आपका है हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी आपकी अगर ज़्यादा है, लैटिस का मतलब होता है जिसमें एटम्स आपके एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हों, उसे लैटिस बोलते हैं। तो अगर लैटिस एनर्जी आपकी हाई है, ज़्यादा है, तो वो जो आपका आयनिक सॉलिड है या आयनिक बॉन्ड है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हायर द लैटिस एनर्जी फेवर्स द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे
आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने के। तो आई थिंक ये तीन पॉइंट आपके हैं जो कि कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्डिंग के लिए, इनको ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइसेस के लिए। अब बात आती है जो लैटिस एनर्जी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लैटिस एनर्जी को बार्नहेबर साइकिल से कैलकुलेट किया जाता है। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक साइकिल होता है जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपके फाइव स्टेप्स हैं। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड आपका एक आयनिक कंपाउंड है, उसका एग्जांपल हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम जो सॉलिड है आपका वो गैस में कन्वर्ट किया जाता है। अब कोई भी सॉलिड सीधे अगर गैस में कन्वर्ट किया जाएगा तो आई थिंक वो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी भी बाहर निकलेगी। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ एलिमेंट या सब्लिमेशन। यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ इसलिए दिखाई गई है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका है सोडियम जब गैसियस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद में क्या करना है, उससे एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, उसको हमें कैटायन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो आयोनाइजेशन इसका करेंगे, तो ये जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें एलिमेंट का आयोनाइजेशन करते हैं। थर्ड है आपका हाफ Cl2। ये जो Cl2 है ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को पहले हम क्या करते हैं, एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो एटम मॉलिक्यूल एटम में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका डिसोसिएशन होगा। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसमें एलिमेंट का डिसोसिएशन किया जाता है और इस स्टेप को डिसोसिएशन बोलते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो HD दिया है, HD का मतलब होता है हीट ऑफ डिसोसिएशन, अभी हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका है जब ये आपका एटम मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ताकि वो आसानी से नेगेटिवली चार्ज यानी कि एनायन क्रिएट हो जाए या एनायन बना ले। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिव चार्ज आयन बना लेता है यानी कि एनायन बना लेता है। अब ये जो प्रोसेस है ये भी आपका एक्सोथर्मिक है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है इसका साइन हमेशा नेगेटिव रखते हैं। लास्ट स्टेप आपका है जब दोनों आपके कैटायन एनायन फॉर्म हो जाते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू कंबाइंड हो जाते हैं और अपना लैटिस फॉर्म कर लेते हैं यानी कि NaCl का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। जब उनका लैटिस फॉर्म हो जाता है तो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ यूज़ होती है, फिर उसके बाद में बनता है। तो यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। अब ये जो आपका लैटिस फॉर्म होता है, इस एनर्जी को निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सारी एनर्जी का हम सम कर देते हैं और बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो डेल्टा एच है ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये टोटल फाइव स्टेप्स हैं। पहला आपका था सब्लिमेशन, दूसरा आपका आयोनाइजेशन, फिर आपका डिसोसिएशन होता है, फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एफिशिएशन होता है, लास्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो पांच स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो आपका लैटिस एनर्जी डेल्टा एच लैटिस से हमने दिखाया है, ये आपका इस तरह से फॉर्मुलेशन इसका किया जाता है। इस तरह से इनकी सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी लैटिस एनर्जी है डेल्टा एच लैटिस से रिप्रेजेंट की गई है। डेल्टा एच SUB जो लिखा है हीट ऑफ सब्लिमेशन है जो यहाँ मेंशन था। IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी, HD का मतलब है हीट ऑफ डिसोसिएशन, EA का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और HF डेल्टा HF का मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये आपका था। और यहाँ पर ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपको कहीं मल्टीपल चॉइस में दे दिया गया तीन ऑप्शन आपके नेगेटिव साइन के साथ हैं जिसमें डेल्टा एच लैटिस यानी कि लैटिस एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ मेंशन की गई है या जीरो के साथ मेंशन की गई है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू के साथ मेंशन की गई है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा डेल्टा एच लैटिस जो है वो फेवर करेगा आयनिक बॉन्डिंग के लिए, तो जो आपका पॉजिटिव साइन के साथ है वही आपका फेवर करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो कि लैटिस एनर्जी से रिलेटेड हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन, यानी कि जो
कैटायन एनायन का चार्ज होता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका पोटेशियम ब्रोमाइड आपका जो है वो लिथियम ब्रोमाइड से कम आयनिक होता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लिथियम जो है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है पोटेशियम के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से आपका ये ज़्यादा आयनिक है। नेक्स्ट आपका है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियाई, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन आयन की बात की है, चाहे आप डिस्टेंस बिटवीन आयन बोलें या फिर आयनिक रेडियाई बोलें, दोनों एक ही बातें हैं। तो जो आपकी लैटिस एनर्जी है, जैसे जैसे आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है वैसे वैसे बढ़ती है, और दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होती है आयन्स के बीच में जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होती चली जाएगी, वीक होती जाएगी या लेस होती जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जिनसे मल्टीपल चॉइस या वन मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला है जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, क्यों? क्योंकि ये कैटायन एंड एनायन से मिलकर बनते हैं, और कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। तो वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर है, ठीक है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ये आपके कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जो पोलर सॉल्वेंट हैं, जिनमें आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है, जो भी आपने ये प्रीवियस स्टडी किया है, ये आपका आयनिक बॉन्ड के अबाउट था, उसी से रिलेटेड था, ठीक है। आपने आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है, विद एग्जांपल आपने स्टडी किया, उसके बाद में लैटिस एनर्जी एक पॉइंट आया, या जो क्राइटेरिया होते हैं आयनिक बॉन्डिंग के लिए वो आप क्या है उनको स्टडी किया आपने। नेक्स्ट आपका लैटिस एनर्जी आया, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड आपने बॉर्न हाबर साइकिल स्टडी किया। अब इसके बाद में जो लैटिस एनर्जी से कुछ रिलेटेड पॉइंट थे उनको आपने स्टडी किया यहाँ पर। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपने स्टडी किया। अब हम जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे थे वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए वहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अभी तक जो आपने ऊपर पढ़ा है उसमें आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते थे एक एटम से दूसरे एटम के वैलेंसी सेल में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके क्लास हैं, एक आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ऐसा बॉन्ड होता है जो होमोएटॉमिक स्पीसीज के बीच बनता है, होमोएटॉमिक या होमोएटम्स के बीच बनता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें दोनों ही आपके हाइड्रोजन एटम हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे चाहे तो नॉन पोलर लिख सकते हैं, सॉरी समझ सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे ये हो जाएगा, इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे ये बनता है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN में, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंसी सेल ही यही आपका है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन हैं, दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे कंबाइंड होंगे, यहाँ देख सकते हैं। एक को हम क्या करेंगे क्रॉस से दिखा देंगे, और दूसरे हाइड्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसको हम डॉट से दिखाएंगे। जब दोनों ये कंबाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा क्रॉस एंड डॉट, ये इस तरह से बन जाएगा,
ठीक है। इसको आगे अगर फॉरवर्ड करके दिखाएं, ये आपका लुईस स्ट्रक्चर है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको एक सॉलिड लाइन से दिखाया जा सकता है क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं है, ये आपका एक सॉलिड बॉन्ड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जबकि आपने प्रीवियस जो भी बॉन्ड पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, वो आपका एक इंट्रैक्शन होता है, इसलिए उसको सॉलिड लाइन से नहीं दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी आपके दोनों सेम एटम है, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2.6 आएगा, तो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हमने सर्किल कर दिया है, इसमें ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को हमने दिखाया था, इनके लुईस सिंबल हम क्रिएट करेंगे, इन पे केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ही मेंशन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको किसी एक को आप क्रॉस से दिखा दीजिए, किसी एक को डॉट से दिखा सकते हैं, इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसमें जो आपका ऑक्सीजन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको वैलेंसी सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 क्रॉस हो गए, ये 2 डॉट हो गए, और ये दोनों इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो आपके बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ग्रीन सर्कल किए दे रहे हैं, ये इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ठीक है, ये ग्रीन सर्कल किया है, जो ग्रीन सर्कल किए हैं हमने ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान रखिएगा। और जो हमने ये इस तरह से जो क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट, ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं दोनों। इनको अगर आगे फॉरवर्ड करके दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके ये 2 लोन पेयर हो गए और इसके ये 2 लोन पेयर हो गए। तो ये आप समझ गए होंगे, हालांकि ये हम पहले शायद थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का अगर हम दिखाना चाहें तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे। अभी तक आपने जो ये फॉर्मेशन देखा है, ऑक्सीजन का देखा है और किसका, नाइट्रोजन का देखा है। अब नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2.5 होता है, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन 2 एटम हैं तो दोनों इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 5 हैं, 8 होने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये आप यहीं से डिसाइड करेंगे। देखिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक है, अभी इसको ऑक्टेट रूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी केवल इसको इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान रखना है, ये आपका ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता है, ये स्टेबल होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट करेगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट करेगा। आप 3 इलेक्ट्रॉन कि अगर एक ही आपका नाइट्रोजन करता है, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही आपका नाइट्रोजन एटम 3 शेयर करे, अगर एक करेगा तो दूसरे को भी शेयर करना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर ऑक्सीजन वाले में देख चुके हैं, ठीक है, दोनों पे 5-5 इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन किए, दोनों आप अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे इस तरह से,
और दो इलेक्ट्रॉन को मिलकर एक बॉन्ड बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका ये लोन पेयर हो गया, एक एक लोन पेयर दोनों के पास में बच जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, अब सही है। आगे इसको फॉरवर्ड करके अगर हम बनाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और ये इसका लोन पेयर, ये इस ऑक्सीजन का लोन पेयर। यहाँ पर ये जो आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन्हें बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आपका है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है, और दोनों आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि दो आपके ऐसे एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो, डिफरेंस आपका 2.0 से कम का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर होता है तो वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है, बट आपका नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। पोलर कोवेलेंट कैसे होता है देख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक आएगा, वन आएगा। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 मिलेगा, इसमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके जो लुईस सिंबल्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के, वो इस तरह से मेंशन किए जाएंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अभी देखिए, जो प्रीवियस आपने पढ़ा था नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स के बिल्कुल बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। बट जो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर ये क्रॉस एंड डॉट्स दिखाया है हमने, ये जो आपका है ये थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच नहीं होता, ये Cl की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। पार्शियल चार्जेस का मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। इनको अगर और फॉरवर्ड करके लिखना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो जो आपके जिन एटम्स के बीच बनता है उसमें बिल्कुल बीच में नहीं होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से जो आपका शेयर्ड पेयर थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों पर पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका है कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब कब आपके फॉर्म होते हैं, पहला है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स शुड बी लेस दैन 2.0 और 0, ठीक है। या तो आपका ये जो डिफरेंस है वो 0 आए या फिर 2.0 से कम आए, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू और इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बोथ एलिमेंट्स शुड बी नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये एलिमेंट्स की जो जानकारी है मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की थी। नेक्स्ट आपका बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, जो भी हम प्रीवियस जिसका हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे। देखिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, ऐसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, तो एंड जो आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसपे लोन पेयर्स हों, उनके बीच बनता है। यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे
अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करती है, डोनेट करती है, उसे हम लुईस बेस बोलते हैं। लुईस बेस, लुईस एसिड शॉर्ट टर्म्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी हैं। लुईस बेस कहते हैं उसको। और जो आपका विच, यहाँ पे लिखा भी है विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस एसिड, जो एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड बोलते हैं, और जो थ्रो करता है, जो डोनेट करता है, उसे हम लुईस बेस बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका, बॉन्ड बिटवीन NH3 BH3, देखिए देख सकते हैं, दो आपके मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो बॉन्ड आता है वो कोऑर्डिनेशन होता है। कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए सभी का। नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का 7 है तो यहाँ हो जाएगा 2.5, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हम लुईस सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पर बोरान और फ्लोरीन का भी साथ में ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9, ये था आपका 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2.3 मिलेगा, इसका करेंगे 2.7 मिलेगा। आप देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को पहले सर्किल कर लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, 5, हाइड्रोजन के पास 1 है, बोरान के पास 3 हैं, फ्लोरीन के पास 7 है। इनका लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपका नाइट्रोजन है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो हाइड्रोजन हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे बॉन्ड। देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये आपके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इसको ग्रीन सर्कल किया है, ये आपका लोन पेयर है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, तो ये आपका NH3 का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें हम ऐड कर दें बोरॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बोरान के पास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 फ्लोरीन से अपने 3 मतलब इलेक्ट्रॉन बोरान क्या करेगा, शेयर कर लेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यहाँ पे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑक्टेट शायद कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे अगर इसका आप देखेंगे बोरान का, तो इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको अगर सर्किल करें तो यहाँ पर इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेयर है ये पूरा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा या डोनेट कर देगा इसको, तो यहाँ पर एक इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन क्रॉस डॉट इस तरह से, ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ फ्लोरीन है, इसके बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेंशन करने हैं, ये आपका हो गया। इनके बीच में यहाँ पर इसको हम ग्रीन से मेंशन कर रहे हैं, ये इस तरह से, ये आपका जो एरो का साइन होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई
इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरफ ट्रांसफ़र होते हैं उस डायरेक्शन में इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लुइस बेस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, तो ये आपका हो जाएगा लुइस एसिड, ठीक है। पी ब्लॉक जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके एलिमेंट कंपाउंड जो हैं बनाते हैं वो लुइस बेस बनाते हैं, कौन से आपके लुइस एसिड बनाते हैं। तो आई थिंक ये आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हायर क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी पर है। तो अभी तक के लिए केवल इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।